बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके तहत कोटा शहर में शनिवार को महावीर नगर थाना इलाके में स्थित LIC भवन के पास पुलिस की नाकेबंदी की। शुक्रवार को पुलिस ने यहां नाकेबंदी के दौरान 50 वाहन जब्त किए थे, वहीं शनिवार को इनकी संख्या काफी अधिक है। पुलिस ने बताया कि अकारण घरों से निकलने वाले लोगों को नाकेबंदी के दौरान पूछताछ कर उनका चालान बनाया गया। महावीर नगर थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, इस कार्य में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। शहर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार वाहन जब्त करने पर चालान करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरे देश में जब कोरोना के बढ़ते मामले देखे जा रहे हैं, वहीं राजस्थान में भी इसका आंकड़ा कोई कम नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में वीकेंड के दौरान कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत आज महावीर नगर के LIC भवन के पास यहां पर नाकाबंदी की जा रही है। आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नाकाबंदी की जा रही है। वाहन चालकों से रोक कर पूछताछ की जा रही है, उनसे आने जाने का कारण पूछा जा रहा है। उसके बाद जो असंतुष्ट कारण बता रहे हैं, उनके वाहन जब्त किए जा रहे हैं, और जो बता रहा है कि उन्हें अस्पताल जाना है तो उन्हें तुरंत वहां से रवाना कर दिया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए पूरा काम को अंजाम दे रही है, और हमारे साथ महावीर नगर थाने के CI साहब हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह की व्यवस्था जो है की हुई है। जी सर, बताएँ कि किस तरह से व्यवस्था की गई है लॉकडाउन। व्यवस्था आप देखिएगा कि इस कोविड से जो फाइट है पुलिस की, और मुझे लगता है सीधी फाइट कर रहे हैं हम लोग, और 100% कोरोना को हरा के मानेंगे। बस पब्लिक हमारा थोड़ा साथ दे, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले, और अगर इस तरह से अनावश्यक निकलेंगे तो हम माफ़ी चाहते हैं, बहुत सख्ती से निपटेंगे उनसे, क्योंकि हमें उस इंडिविजुअल आदमी के लिए नहीं सोचना, हमें पूरे राजस्थान के बारे में सोचना है, हमें इस बीमारी के बारे में सोचना है, और सबको सुरक्षित करना हमारी मॉरल ड्यूटी है, जिसे हम हर हद तक निभाएंगे। इसके लिए चाहे कोई नाराज हो या चाहे राजी हो, प्रभावी कार्रवाई होगी, और टाइगर साहब का स्पष्ट निर्देश है कि अनावश्यक जिसका कोई वाजिब काम हो उसे परेशान नहीं किया जाए, और बिना काम घूम रहे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए। कितने आज अभी तक वाहन जब्त किए गए हैं? काउंट तो नहीं किया, लेकिन कल भी हमारी प्रभावी कार्रवाई रही थी जिले में, और आज भी 50 से अधिक वाहन अब तक जब्त किए हैं, जो अनावश्यक रूप से, इतना कहने के बाद सरकार ने इतना एडवर्टाइजमेंट किया है, इतना प्रशासन ने रैलियां निकाली है, जागरूक रैलियां निकाली है, मीडिया के द्वारा आप द्वारा खूब जागरूक किया है, उसके बावजूद भी लापरवाही से घूम रहे हैं।